लगाते हैं? जरूर तो नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस तो रहेगा। अल्लाह धीरे धीरे कम से ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल कहाँ तक थे हम सभी? 77, 77 तक। चलिए, एस जी यादव का है, आपका समय रहेगा तो आज बुक उसे कोई बना देंगे, नहीं भी दूसरे का हम बना देंगे तो वीडियो देख सकते हो। अब वीडियो पर आई है तो कुछ भी कमी नहीं रहेगी। चलिए, क्वेश्चन कहाँ तक बोले बाबू? लेकिन 77 हो गया था, 77। 78 में तो बताइएगा। सो कंफ्यूज है, 77 तक हो चुका था, है ना? 78 में आइए। 78 में क्या बोला है? तो हम पढ़ लेते हैं, करा 1 से 21 मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या है, इतना इतना संख्या 88 से विभाज्य है। कितना लिखा हुआ? 6 9 बोलिए, 1 3 एक्स 08। ये 7 अंक में है, किससे विभाज्य बोला? 88 से। 88 से विभाज्य वही संख्या होगा जो 11 से होगा, किससे होगा? 8 से, 11 से और 8 से। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या भराएगा, तो देखिए, एक से तो सॉरी, हाँ, 11 से और 8 से, मतलब 8 से 11 से। तो पहले देखिए, 11 ने अप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे? 8 करेंगे। 8 में हम क्या पढ़े हैं कि 8 से डिविजिबल वो होगा जिसके अंतिम तीन अंक 8 से कटे हैं। तो बताइए, x पे हम क्या रख देंगे? 8 से कट जाएगा। सोचिए अब, तो सबसे पहला बात, अगर 8 के अनुसार चलेंगे हम तो x पे अगर 0 रख दें तब भी 8 से कटेगा कि नहीं? क्योंकि 0 रखा जाएगा तो 0 0 8 होगा, 0 8 से कट जाएगा। और क्या थे बोलिए? थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ऐसे, मतलब ऑप्शन देख के मतलब करने पर। अगर हम 2 रखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, अच्छा 48। हाँ, तो उसे भी कट जाएगा। और क्या है? 2 रखे तो 3 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से 24 कटेगा, 8 6 24, 6 उतरेगा कि नहीं? 8 6 48, फिर मतलब क्या 68 हो जाएगा? 68, अच्छा सॉरी सॉरी उल्टा, हाँ 6 बच रहा है ना, 3 से नहीं चलेगा, 4 से, 4 रखेंगे 40 कट जाता है, फिर 40 से, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। 6 रखेंगे तो 60, 6 से कट जा रहा है, 8 से भी कट जाएगा। अब नहीं, मतलब क्या है आपका, इतना सारा वहां रख सकते हैं कटने के लिए। अब 11 से बोला है तो 11 के अनुसार हम क्या जानते हैं? सभी अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर ए ना, तो अल्टरनेट मतलब क्या लेंगे वो? 6 + 1 + 6 + 8, एक साथ है ना? और क्या? 9 + 3 + 0, ये है ना, इसका एक साथ ये हो जा रहा है 12, ये हो जा रहा है कितना आपका? 14 1 15 + x। अब यहाँ पर x पे रखना है, क्या रख देंगे कि दोनों के बीच में अंतर 0 हो जाए? 0 तो हो ही नहीं सकता है। और 11 आ जाए, 11 लाने के लिए हमको इसको वैल्यू रखिए, ये इसी में रखना है। 8 रखेंगे कितना? 15, 8 कितना होता है? 23 23 12 11 बचेगा कि नहीं? तो आपको क्या हो जाएगा इसमें? एक्स का वैल्यू ये वाला 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये 8 के अनुसार सभी वैल्यू सही है, 8 के डिग्री के अनुसार सभी सही है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? 11 कि कौन होगा इसमें, इसमें से की वैल्यू लेना है। ये सब रखते हैं तो 8 से कट जाता है, सही है, लेकिन 11 से सर हमें पर नहीं कटेगा। 0 रखते तो 15 + 0 15 होगा, 15 12 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 11 से कटता है। दो रखेंगे तो 15 2 17 17 में से 12 जाएगा, 5 बचेगा जो 11 से कटता है। 4 रखेंगे तो 15 4 कितना होता है? 19, है ना? 19 में से 12 जाएगा, 7 बचेगा जो 12 से 11 से कटता है। 6 रखेंगे कितना? 15 6 21, 21 में से 12 जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना? 9, जो कि 11 से नहीं कटता। 8 रखते हैं तो 15 8 23 23 में से 12 जाएगा, 11 11 से कट, 11 कटता है कि नहीं? इसलिए कौन फिर से होगा? 8। इस तरह देखना है।
आठ के अनुसार सभी है, लेकिन आठ के अनुसार चला 11 फिर डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों कौन लेता है, तो आठ हो जाएगा, इसमें आपका वैल्यू आठ चलेगा, एक समान आठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, 78 था, 79 देखिए। ये सब आप बेहतर से समझने के लिए आप सब एक क्वेश्चन पे नहीं, मान लेते हैं कि हम बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे देखो इसको पढ़ाए तो प्रॉपर से बुक से पढ़ा रहे, एक-दो क्वेश्चन मिलता है टाइप आई तो बता दे, आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए 8 का डिबिलिटी 11 का डिबिलिटी पूरा काम कीजिए उस पर, ताकि समझ में बेहतर से आए। यहाँ 8 का डिबिलिटी आपको क्लियर नहीं है, यहाँ 88 पूछ रहा है, जहाँ आपका क्लियर नहीं सही से 9 का वहाँ 72 का पूछ रहा है, तो दिक्कत तो है, तो वहाँ पर क्या हो 9 का पूरा अच्छा से काम कर लेंगे हम, अभी कुछ देर में लगता है बहुत कम बच्चा बताएंगे आप सब कि 9 का डिबिलिटी क्या होता है, क्या होता है बाबू आप तीनों में से 9 का बेहतर नियम क्या बता सकते हैं, हम कसम खा लिया कि नहीं हम सुनाएंगे, है ना, जो 3 से कटे ए अभी इतना सिंपल सरल चीज से बात नहीं करता है, तो वो गजब की बात है, है ना। अगर नंबर का समेशन 9 से कटना चाहिए खत्म, अब समेशन बोले तो इसको समेशन में बड़ा दूर-दूर नाम करना है सर, समेशन मतलब सम बताए थे ना, कुछ भी याद नहीं रखो, कुछ कुछ रखते चलिए, एक दिन में नहीं बता सर, छह के सब चीज एक दिन में नहीं बताता है, होगा बारह वर्ष, लेकिन आपको थोड़ा मोटिवेट होकर ध्यान भी दीजिए क्या ये चीज से हमें दिक्कत है, हमको बार बार मिल रहा है तो कर लेते हैं, कल अगले देखो इसको करना पड़ेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है किससे डिवाइड है बाबू, 11 से, कह रहा है कि 3, 4, n और क्या लिखा लास्ट में 11 से, और n का मान 3 ही अंक का है, ये 3 ही अंक का संख्या है, 3 डिजिट का नंबर है, जो किससे कर रहा है 11 से कट रहा है, तो n का मान क्या होगा, तो 11 जो है तो हम सब पढ़े हैं अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट नो देखिए 3 और n, यहाँ पर 3 प्लस n बोल दीजिए, और यहाँ 4 अकेला है, आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर हम n की जगह पर क्या रख देंगे, कि दोनों घटेगा तो जीरो हो जाएगा, अगर एन की जगह पर 1 रखते कितना 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, 3 प्लस 1 4, 4 में 4 गया तो 0, ये हो जाएगा, एन का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और अभी आओ देखिए, जब क्वेश्चन में नहीं लगाया मिनिमम मैक्सिमम में सब थोड़ा कंफ्यूजन है, आप रखेंगे कुछ तो कटने का चांस है क्या, मतलब कि 9 रखेंगे 11 से कटेगा, 9 रख देंगे तो 11 से कट जाएगा, 9 3 12 होता है, 9 3 12 में 11 जाएगा तो सॉरी 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 11 नहीं कटता है ना, मतलब दोनों का अंतर आपका 0 आ तो 11, ये ध्यान रखना है कि दोनों का अंतर 0 आ जाए तो 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल जैसे 22 33 से जब आना चाहिए। अब सोचिए अगर यहाँ पर 1 रखें तो 3 8 4 4 में स्कोर गया तो 0, तो ठीक है 11 से कटता है 0, और अगर हम इसमें रखते हैं 8 रखते हैं 8 3 11 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा 7, 11 से नहीं कटता है आपको सारा दोनों का अंतर दोनों का अंतर 0 ही नहीं आना चाहिए, दोनों का अंतर 0 अभी तो सही है, हाँ दोनों का अंतर 0 आ जाए 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल जैसे 22 आ जाए 33 आ जाए, आप सोच लीजिए कि 11 कौन कौन कटता है, 0 कटता है कि नहीं, 11 कटता है कि नहीं, 22 कटता है, वही आना चाहिए अंतर में, यहाँ पर आप कुछ वैल्यू है तो आप सोच लीजिए, एक तो 0 रखें सॉरी 1 रखें, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 में 4 गया तो 0, यहाँ पर एन कहा गया अल्टरनेट अंकों का अंतर 0 होना चाहिए, अब 11 होना चाहिए, यहाँ पर आ गया, कुछ और रखते हैं 3, चल आपको वैल्यू रख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए कुछ और वैल्यू रख सकते हैं, आप रखने कहाँ तक इसमें 0 से लेकर 9 तक, तो 9 तक माओ को देख के देखिए 9 सबसे बड़ा देखिए, अगर ऐसे कंफ्यूजन सबसे बड़ा वैल्यू रखती है क्या 9 9 3 12 12 में 4 की 8 8 का विगार नहीं करता है, अब 9 तक नहीं वो तो कोई इसको नहीं कर सकता, ठीक है 0 के अलावा 1 के अलावा, तो क्या होगा इसका वैल्यू 0 नहीं बल्कि n के बराबर कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 हो चुका है, 80 भाई 80 में से बोला कितना से डिवाइड है 99 से, है ना 99 कितना बोलिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ कहता है 8 4 8 4 3 9 8 4 3 9 x
और कुछ है क्या? 5 3 5 3 3 किससे डिवाइड है? 99 से। अब जैसे 99 बोला आपको थोड़ा माइंड में चलना चाहिए किससे किससे कटेगा 99 से कटेगा, बता सकते हैं? 11 और 9 11 और 99 ठीक है, 11 से और 9 से। अब इतना तोड़े तो आपको तुरंत माइंड में चलना चाहिए 11 की विभाजिता क्या नियम है और 9 का क्या है, 9 का विभाजिता नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यस, तो जोड़ दीजिए 5 3 8 8 9 17 17 17 3 20 20 और 4 24 24 8 कितना 32 32। अब यहाँ पर 32 प्लस 6 आए 32 प्लस 1। अब सोचिए यहाँ पर क्या रख देंगे कम से कम में कि 9 से कट जाएगा, आप बोलिए यहाँ पर आप रख सकते कितना, 4 भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, 1 से यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं, तो 4 रखेंगे कितना 32 4 36 जो 9 से कट जाएगा। और कुछ रखते हैं क्या? 11 नहीं रख सकते हैं सर, दो अंक में एक ही अंक में रखना, दो अंक में आ जाता है, हाँ एक ही अंक में होगा। और कुछ नहीं है, बस वही होगा, वही है। आप थोड़ा शक लग रहा है, बड़ा खुल पाया 9 6 36 9 5 45 तो ज्यादा रखें, 9 5 45 आता है, इसके बाद 36 के बाद 45 कटने वाला है, तो 32 में अगर कितना जोड़ेंगे 11 तब नहीं 45 आएगा, 11 नहीं 32 जोड़ेगा 13 तब आएगा, 5 रख देंगे 32 5 37 जो कितना 9 से कटता है, नौ के अनुसार सिर्फ 4 आया, अब 11 के अनुसार आइए। देखिए 11 में क्या है, वो अल्टरनेट अंकों का योग, तो अल्टरनेट कौन सा, 8 प्लस क्या चलेगा 3 प्लस x प्लस 5 3 3 हो जाएगा, जोड़िए कितना हो रहा है 14 प्लस x और इसमें कितना, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 18। अब ये दोनों हमको अंतर लाना है कितना का, 0 का। अब 11 देखिए तो एक से अगर हम 4 रख देंगे तो 14 4 18 में क्या हो गया 0, देख सकते हो क्या हो जाएगा 4 4। चलिए क्वेश्चन आप आ गया जी 81 अच्छा भैया बोलिए, ये जो ये वाले की तो वहां पे हां 8 8 + 3 + x + 3 = 14 + x कैसे आए, कैसे आए। अब हम आपको ये सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता सकते हैं कि 11 का विभाजक नियम क्या है, 11 के हमने क्या बताए थे, हमने आंसर अच्छा याद है, आए नहीं थे कि आपको याद नहीं, नहीं आए नहीं क्या बात है, अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर आप डायरेक्ट बोलते नहीं आए तो कल भी आप नहीं आए, कल भी तो आप प्लस नहीं थे, आप थोड़ा सा गौर करिए, आपकी समस्या ना यहाँ पर सबका समस्या है, ये मान लेते हैं कि बैठ के हमारे भाई बहन देख रहे हैं लेकिन थोड़ा समस्या है कि 11 बेहतर में आद नहीं किया हुआ, सब लिखा हुआ है, आप ही लिखे हुए थे उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ लिखे ही तक हम लिखा दिए, विश्वास की जगह से चैप्टर स्टार्ट किए थे हम, तो पहले में ऐसे इंट्रोडक्शन दिए थे, सब विभाजन नियम बताए थे, बताया था जी, उसमें हमको लगता है कि सब बच्चा था, कोई एब्सेंट नहीं था, क्यों था सभी कि वो बड़ा अच्छा लगता है लिखने में, अगर नहीं लिखा है होंगे आपका आपकी गलती है, आपके दोस्त में किसी की कॉपी निकल जाए, आपके कॉपी किसी आपके दोस्त में किसी की कॉपी निकल जाता है, समझे हम लिखा है, लिखा 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 हम यहाँ तक बोले थे 7 का विभाजन नहीं पूछता, लेकिन 7 का विभाजन एक बार आया ना क्वेश्चन बीच में कि 7 से कौन कैसे किस करता है, तो आप क्वेश्चन आएगा उसमें, अब यहाँ पढ़े ऐसे मार के माता फोड़ देंगे तो झूठे के फोड़ दिया है, बताए अपना कॉपी भी एक बार उलट के देख लो अपने लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आया कैसे हुआ, अल्टरनेट बोले थे हम, ऐसे भी बोले थे अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर लेना है, आप तो क्या लेना है सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अब विषम स्थान क्या होगा, सम और विषम, हाँ सम स्थान, स्थान मतलब संख्या मत समझिए, स्थान मतलब हम यही समझाए थे कि शुरू वाला को विषम लेंगे, उसके बाद वाला को सम लेंगे स्थान, और उसके बाद वाला सम विषम स्थान लेंगे, जैसे शुरू हम एक से कर रहे हैं, अब एक से देखिए क्या हो गया, विषम स्थान बोलेंगे सम स्थान बोलेंगे विषम स्थान बोलेंगे सम स्थान विषम स्थान, अब एक से शुरू हो रहा है, आपको बोला जाए कि आपका रोल नंबर एक है, वो कैसा है सम स्थान पे विषम स्थान पे, अगर एक है तो सम
सम कैसे होगा? एक है तो विषम पे होगा ना। हम बोले थे कि एक बेंच पे चार बच्चे बैठे हैं, पांच बैठे, हम शुरू ना गिना शुरू कर देते, तो जी एक पे है वो विषम पे है, दो पे है सम स्थान पे, तीन पे है विषम स्थान, चार पे है सम स्थान। आप इतना मौखिक समझिए ना इसको, आपका रोल नंबर बोल दिया 18 है तो क्या बोलेगा? 80 तो कह यार मेरा सम स्थान पे, सम संख्या मेरा नंबर है, रोल नंबर मेरा सम संख्या में, समझ रहे हो? अब आपका रोल नंबर ऐसे ही बोल दे कि जितना भी बच्चा के रोल नंबर सम संख्या से वो एक रूम में बैठेगा, जिसका विषम से एक रूम में बैठेगा, क्या समझेगा वहां पर? आपको पता होता है मेरा रोल नंबर जो 18 चाहे 20 है चाहे 25 है, क्या सम या विषम में? सम वाला एक तरफ जाएगा, विषम वाला एक तरफ। अब यहां से बोल दिया जाए सम वाला जितना है सब अपना को जोड़ दीजिए, अब विषम वाले तरफ जोड़ दीजिए, अब दोनों जोड़ घटाइए, क्या आता है अंतर? वही हम काम कर रहे हैं, किसी का रोल नंबर विषम स्थान वाला है सम स्थान वाला है। यहाँ संख्या मत समझिएगा कि तीन की बात करोगे विषम नहीं है, शुरू में एक एक नंबर पे है, कितना पे है? एक पे है, दो पे है, तीन पे है, चार पे है, पांच पे है, छह पे, सात पे। अब यहाँ जो एक नंबर पे है वो विषम पे है, तीन नंबर पे क्या है? विषम पे है, पांच पे क्या है? विषम, सात पे क्या है? विषम। सम पे कौन कौन हो रहा है? जो दो नंबर पे है, चार नंबर पे और छह नंबर पे बैठा हो, क्या हुआ? सम। तो आपको विषम वाला एक साथ जोड़ना है और सम वाला एक साथ जोड़ना, जोड़ कर क्या करना है? दोनों का अंतर मतलब घटाना है, घटाने के बाद अगर कितना आता है अंतर? जीरो, ग्यारह। अब तो ग्यारह का मल्टीपल क्या क्या होता है? 22, 33, इस तरह से आता है 44। तो क्या होगा संख्या? ग्यारह से अवश्य कटेगा, हम ये बताएं। अब ऐसे नहीं आता है सम स्थान विषम स्थान का कहने पहचानने, तो आप एक चीज कर सकते हैं, क्या बोले? अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ एक, एक छोड़ एक जोड़ना। जैसे आप तीन लिए तो तीन के बाद क्या लेना है? एक, एक से बाद क्या लेना है? थ्री, थ्री बाद क्या लेना है? एक साथ जोड़िए जो कि जोड़ा गया, फिर जिसको छोड़े तब उसको जोड़िए, किसको छोड़े थे? फाइव को छोड़े थे, फाइव नाइन क्या फोर, देखिए तो फाइव नाइन फोर एक जोड़ दिए, एक साथ जोड़े। अब यहाँ पर आगे 14+6, अब यहाँ पर क्या हो गया? 18। ये दोनों के अंतर हमको आना चाहिए कितना? जीरो, ग्यारह, 22, 33, जो भी आ जाए। अब यहाँ पर रखिए क्या रख देंगे, मौखिक सोचिए यहाँ क्या रख देंगे कि अंतर हमें ग्यारह आ जाए और जीरो आ जाए? चार, चार रखेंगे तब नहीं, 14+4 कितना? 18, 18 से 18 कितना हो गया? जीरो। तो देखिए बिल्कुल क्या रखेगा? चार। अगर आपको मन में लगता है कि आपको बिल्कुल रखने पर हो जाएगा तो सोच के देखिए, आपका अधिकार है, यहाँ सोचिए रखना है एक ही अंक में, दो अंक में नहीं, एक अंक में यहाँ कुछ और रखते हैं क्या? चलिए आपको मन में लग रहा है नौ रखते हैं, नौ तो रखना है एक अंक में, नौ रखते हैं, 14+5 14, 9 कितना होता है? 23। 23 हो गया ना, 23 में 18 कितना बचेगा? 5। 23 में 18 5, क्या 5 कटता है 11 से? नहीं, सिंपल नहीं, तो क्या होगा? 4 ही होगा खाली, तो 4 लेंगे। तेरी क्वेश्चन नंबर है लगता 10-20 क्वेश्चन इस टाइप में है, आप बनाइएगा तो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन ये गलती करते हैं घर में जाकर बनाते होंगे दोबारा, नहीं तो बिल्कुल समझ में आ जाता हूँ। यहाँ 5% तो घर में आपको 95% करना है। तेरी क्वेश्चन नंबर 81 में आई, 81 में क्या लिख रहा है? 121 मान के लिए 7 अंक की संख्या इतना 72 से विभाज। अच्छा 72 से विभाज बोला किससे किससे होना चाहिए? 8 और 9। बहुत बढ़िया, 8 और 9 से। बोलिए कितना है ये? देखिए आप ही से बना दीजिएगा, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे खाली, कितना लिखा हुआ है? 5 5 3 5 5 0 0 x x और है 2 2 72 से विभाज है 72। इसका कहने मतलब है कि संख्या 72 से तो जरूर विभाज है, तो 72 से विभाज है, यहाँ पर छूट गया तो क्या छूटा है वो लाइए। इसका यह कहना है कि 72 से कट रहा है, यहाँ पर छूटा है, मतलब एक से यहाँ पर कुछ था तो क्या था वो पता करिएगा। 72 से कटने मतलब कितना से? 8 और 9 से। आपने देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले 9 से जमा नहीं लगा, 8 से लगा, यहाँ पर एक दोनों के अनुसार लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर दोनों के अनुसार, क्योंकि दो के मल्टीपल पे विभाज है, जोड़ी 8 विभाज है, क्या था? 3 अंक पर कटना है, 3 अंक कटना चाहिए अंतिम से 3 अंक। अब सोचिए एक से वैल्यू क्या कर देंगे जो कट जाएगा 3। अगर आपने देखिए एक से वैल्यू कितना रख देगा 3 रख देंगे तो 32 32 बनेगा जो कट रहा है, और क्या रख देंगे कुछ और एक 8 हाँ नहीं कट सर 9 भी नहीं कटेगा, कटेगा ना किसे? बस हो गया, अकेला है क्या? 7 लग जाएगा, 7 हाँ एक 7 है, और कुछ है नहीं है, इसमें ये पैटर्न है। यहाँ पर आप गौर कीजिए, एक क्वेश्चन बता रहे थे हम, देखिए हम कैसे फटाफट लिख दिए थे, इधर लिखे हैं 0 2 4 6 8। हाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ सम, पैटर्न में जा रहा है सम में,
तो समी आएगा, क्या बन रहा है विषम, तो विषम ही आएगा। विषम में कुछ छूट रहा है, पांच पांच नहीं करता है, अगर चार से तो कट जाता है, पांच से अल्टरनेट में जा रहा है, पांच तरह के बामन जो आठ से नहीं करता है, सात तरह के सात के बाद ऊपर रखा था नौ, जो नौ तक में बनाता है, आपको दो ही है तीन और सात, ये आठ के अनुसार तीन होगा और सात होगा, अब नौ डिसाइड करेगा। तो नौ में क्या था विभाजन, नौ का तीन का विभाजन तो बड़ा आसान है। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा किससे आता है, नौ से विभाजन नियम पर और ग्यारह से। अब बोलिए कि नौ का विभाजन क्या है, सभी अंकों का योग, तो जोड़ दीजिए सभी अंक मतलब दो और जीरो दो, दो और पांच सात, सात तीन दस, दस दस बीस हो गया, तो बीस आया। अब यहाँ पर देखिए बीस क्या करता है नौ से, नहीं तो क्या करता है बीस के बाद ही देखना है क्या करेगा नौ से, सताइस सताइस में आएगा, तो सताइस लाने के बीस में कितना करना पड़ेगा सात, तो कौन सा फेल हो जाएगा, एक गुणा कितना हो गया सात, समझ में आया, यही था इसका कंडीशन। क्वेश्चन इस पे आइए 82 क्या है बोलिए, एट से बोला है ग्यारह और आठ, चलिए ये क्वेश्चन हम लिखे एक लिखे सिक्स एक्स, सिक्स एक्स टू नाइन, टू नाइन जीरो फोर अठासी से विभाज, जीरो फोर 88 से विभाज। आपके लिए हम दो मिनट समय, दो मिनट थोड़ा सा समय देते हैं सब बच्चे लिए, थोड़ा सा प्रयास करें क्योंकि सब कुछ उन्होंने बनाए हैं और अठासी तक यहाँ सामने लिखा हुआ है विभाज, आप भी थोड़ा सा समय देते हैं, करिए तो अपना कॉपी पर देखते हैं कितना तक आता है। दोनों हाथ लगाओ, कोई काम जल्दी करने आओ लेट से करें मंत्र पड़ता है। आपके सामने दूसरे एक दो क्वेश्चन है, आप 100 भी क्रॉस नहीं किए अभी, छह सर कितना रहा है, छह छह आपको बच्चे लाए छह सब संख्या जोड़ दे दो सौ तेरह बना है, चलिए आपने बड़ा प्रयास किया, चलिए प्रयास तो किए हैं। देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा है, हम भी कुछ सोचिए कि सो दे दिए आपके छोड़ दिए, आपसे मजाक किया क्वेश्चन जो नाइन है सर ये कितना, हाँ बोलिए कुछ नाइन है सर बनाए ये और क्या है आठ ग्यारह, आठ ग्यारह है सर, आठ ग्यारह गलती कर रहे हैं, कितना हो गया आठ ग्यारह अठासी आठ ग्यारह नौ में है नहीं। आप पहली बार देखो आपसे क्वेश्चन क्या मजाक किया है, फाइव अब हम देखेंगे ना अपना अपना आंसर रखिए, फाइव बोले सिक्स बोले और क्या आप कुछ बोले सुने नहीं। देखिए आठ के विभाजन नियम क्या पढ़े, अंतिम तीन अंक आठ से कटना चाहिए, क्या उससे कोई मतलब है, आपको दे दिए कोई मतलब है, यहाँ पर हमको कुछ कर रहा है आठ से इसको कोई मतलब नहीं, इस समझिए तो सिंपल ग्यारह खाली पूछा है, समझ रहे ये था आठ से आपको माइंड नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्यारह पूछा है, ग्यारह के अल्टरनेट अंकों का यू अल्टरनेट बोल छह प्लस दो प्लस जीरो जीरो जोड़ दिए कितना हो गया आठ, इधर जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है आपका एक्स प्लस नौ प्लस
चार है ना, तेरह प्लस कितना आ गया एक्स, एक भी कितना आ गया आठ है ना। अब जोड़िए एक से अपन क्या करेगा अंतर कितना हो जाएगी छह का अंतर, यहाँ पर सॉरी ग्यारह का अंतर तो जीरो का छह हो जाएगा क्या, तेरह से कितना उन्नीस में से आठ जाएगा तो उन्नीस में से आठ ग्यारह ग्यारह हो जाता है हो जा रहा है। तो रखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स, देखिए तो थर्टीन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा। अब सोचिए कैसे आ रहा है, इधर से आठ है इधर तेरह प्लस एक मतलब कुछ है, अब ये दोनों का अंतर हमको बढ़ाना है। खाली हम अंतर कर दिए सर बस, ये आ गया अंतर तेरह और आठ बहुत कॉमन ही किया जाता है हर जगह नहीं है, तेरह आठ छह का अंतर नहीं है, तेरह और आठ में पांच का अंतर है। हाँ अंतर तेरह में सर एक एक रहता छुपा नहीं तो वैसे नहीं होता है वहाँ ही नहीं किया जो कुछ जुड़ जाएगा आपने वैसे किए हैं पॉइंट सेट आप ना दिए वैल्यू आपका सही है लेकिन देखिए तेरह प्लस एक आपके सामने है और यहाँ से एट है आपका यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर तो कुछ हमको भरना ही है कुछ भी भरेंगे जीरो से लेकर नाइन तक भरना है ये दोनों आठ प्लस में होगा अगर जीरो रख देंगे तेरह ही रहेगा तेरह में से आठ जाएगा कितना बचेगा तेरह में से आठ जाएगा तो पांच बचेगा जो कि ग्यारह से नहीं कटता है तो जीरो नहीं रह सकते एक रखेंगे कितना तेरह एक चौदह चौदह में से आठ जाएगा छह बचेगा जो कि ग्यारह से कटता ही नहीं है तो आप वैल्यू बढ़ाइए इसको अगर हम यहाँ पर क्या रख देंगे छह रख देंगे कितना छे तो तेरह से कितना होता है उन्नीस उन्नीस में से आठ जाएगा कितना बचेगा ग्यारह 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 से कटता है कि नहीं इसलिए कौन सा वैल्यू आएगा छह। ये क्वेश्चन लॉजिकली था आपका एट से कोई नाता नहीं सोचिए ग्यारह से। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 82 क्या कोई बच्चा बोल रहे थे कैसे लाए आप बोल रहे थे अच्छी दिक्कत है पीछे से बोल रहे अभिषेक कुमार हाँ बोलिए क्या दिक्कत कैसे लाने एकदम कॉमन दिमाग लगाना है ज्यादा सोच लीजिएगा तो नहीं बनेगा। कितना लिखा हुआ एट इधर कितना है 13 प्लस कुछ आपको ये दोनों में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में अंतर जीरो बनाना है आप ग्यारह बनाना आप पे माइंड होना चाहिए यहाँ पर तो जीरो बनने की चीजें नहीं रहा क्योंकि एक से बिल्कुल जीरो भी रखते हैं तो तेरह है तेरह में साठ कटेगा तो पांच बच जाता है जीरो बनने का चांस ही नहीं। अब हमको जीरो बनने चांस में क्या बनना चाहिए डायरेक्ट ग्यारह जीरो बनता है बनाइए नहीं तो ग्यारह पर ध्यान दीजिए तो ग्यारह पर कब बनेगा कि एक से वैल्यू हम इतना रख दें कि मतलब सोचिए कि एक से वैल्यू इतना रख देंगे कि दोनों घट के हमको ग्यारह बन जाए तो छह रखेंगे तब ना छह मतलब कहता तेरह और छह कितना हो जाएगा उन्नीस में जाएगा तो ग्यारह कितना आएगा उन्नीस में लिखे तेरह प्लस एक्स प्लस आठ लगा देगा देखिए आप अब यहाँ पर देखिए ऐसे गड़बड़ हो जाएगा अगर तेरह प्लस एक्स माइनस एट लिखिए माइनस एट इक्वल टू 11 तेरह प्लस एट अगर हम लिखते हैं देखिए यहाँ पर यहाँ पर बहुत बच्चे समीकरण अप्लाई कर देता है गलत कर देता है अभी एक बच्चा बोला निकाल दे बिल्कुल गलत हो गया। आप इसको सिंपल सोचिए कि तेरह है अब प्लस आपके एक से एक से कितना रहते हैं छह तो तेरह छह कितना तेरह प्लस छह यानी उन्नीस उन्नीस में साढ़े कितना बचेगा ग्यारह ग्यारह आपको नहीं लेना आंसर आंसर क्या लेना है छह लेना है समझ अंतर आपको ग्यारह लाना था क्या हो गया आंसर एक से बिल कितना हो जाएगा छह आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 83 देखिए तीन चार से बच्चे बोल रहे छह और दो क्या बोलना गलत है कि नहीं शुरू में जब समझा दिए थे तो छक बारह जैसे देखिए हम ही शुरू में बता दिए थे कि बारह है चाहे तो बहत्तर लिखा रहे चाहे जो भी रहे बहत्तर में क्या लगता है नौ या आठ लिखता है बहत्तर का टूटता है क्या क्या बोलिए चौबीस और तीन ही टूटता है बहत्तर का क्या टूटता है छह और कितना
36 दोनों होता है, लेकिन हमने क्या बहुत सा टोटल लेने क्या सबसे बताए हम बोले तो दो ऐसा लीजिए सहभाज मतलब दोनों का एसीएफ एक एक तो बोलते हैं आपको ऐसा होना चाहिए दोनों के बीच में एसीएफ एक, ये दोनों बीच में एसीएफ एक नहीं आएगा, ये दोनों क्यों ये दोनों में एक आएगा, दोनों ऐसा फैक्टर छोड़िए कि दोनों के बीच में एसीएफ एक निकले। आप ये सब बोलेंगे तो उसमें ध्यान नहीं रखेगा, तो 12 में क्या तोड़ देंगे आप, तीन और चार। अब इसमें क्या होना चाहिए जो तीन से कटे हो चार से कटे, तो सोचिए ये भी क्वेश्चन वही में आएगा, दो में तीन खराब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसमें बड़ा कुछ अच्छा है बाद में देख लेते हैं, ये मिला रही है सब मिला रही है आंसर तुम्हारा है दिया हुआ छोड़ के जाते हैं प्रो आप तो बनाए बना दे सर हां भाई रुको दे तो तुमको बना ले सर ये सब कुछ और कितना